कैथल में 11,000 मीट्रिक टन और हरियाणा में लगभग 43 मीट्रिक टन गेहूं को सड़ाने का मामला फिर से तुल पकड़ रहा है। कैथल में मीडिया ने 2 अक्टूबर 2022 में इसका खुलासा किया था। कैथल उपायुक्त ने 8 अक्टूबर को मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इस पर 4 सदस्यों की कमेटी बना दी गई है और जो भी इसमें अधिकारी जिम्मेदार होगा उस पर कार्यवाही की जाएगी। कमेटी की रिपोर्ट को दबा दिया गया। जब मीडिया को इस रिपोर्ट के दस्तावेज हाथ लगे तो पता चला कि इतनी बड़ी मात्रा में गेहूं को षड्यंत्र के तहत सड़ाने वाले जिम्मेदार अधिकारियों को बचा लिया गया है और सारा कसूर भगवान पर डाल दिया गया है। प्राकृतिक कारणों से गेहूं खराब हुए और सभी जिम्मेदार अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी गई। इसी वजह से कैथल के उपायुक्त डॉक्टर संगीता तेतवाल ने मीडिया से दूरी बना ली थी और अपने ऑफिस से मीडिया कर्मियों को सिक्योरिटी वालों के माध्यम से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। मीडिया में यह मामला आज सामने आया, इस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट P24 न्यूज। हरियाणा में 42,000 मीट्रिक टन, कैथल में 11,000 मीट्रिक टन गेहूं सड़ा दिया गया। कैथल में अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी कि मौसम की वजह से खराब हुआ था। 100 करोड़ के नजदीक का गेहूं सड़ गया। गेहूं नहीं सड़ा, गरीब की जो रोटी है उसको भाजपा की सत्ता का घुन लग गया। और हिमाकत देखिए, पहले गरीब की रोटी छीन ली और उसके बाद जिन लुटेरों ने रोटी छीनी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बाद कहा कि भगवान का कसूर है, भगवान के कसूर के कारण 100 करोड़ रुपए की गेहूं, लगभग 43,000 मीट्रिक टन गेहूं वो ख़त्म हो गई। अंधेर नगरी चौपट राजा, यही खट्टर सरकार का तौर तरीका है। हम इसकी ना केवल कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, ये दर्शाता है ये गेहूं किसके लिए था। ये गेहूं अनुसूचित जाति SC समाज के, बैकवर्ड समाज के, गरीब जो हैं उनके लिए ये गेहूं था। उनके घरों में जाता, उनके बच्चों का पेट पालता, परंतु उसकी बजाय अफसर उसे डकार गए, सरकार में बैठे सफ़ेद पोश उसे डकार गए और अब भगवान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि अब उनको पकड़ कर लाइए, ये सब भगवान का कसूर है। सच्चाई ये कि ये सब भाजपाई कारनामा है जिसकी वजह से गरीब की आय पर हमला हुआ है। हमारी मांग है कि इसकी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो। सरकार केवल जांच के नाम पर लीपापोती कर रही है, वो लीपापोती अब नहीं चलेगी और सरकार प्रदेश के गरीबों को, SC BC समाज के लोगों को, जो BPL के हमारे साथी हैं उनको जवाब दे कि उनकी जो गेहूं है उसको भाजपाई घुन कैसे लगा और किसने लगाया। कुलदीप बिश्नोई को लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया भाजपा ज्वाइन करने के बाद, कैसे तो ऐसे? भारतीय जनता पार्टी का तौर तरीका हमेशा से यही रहा है और यही रहेगा। अब लोग इस बात को पहचान गए हैं। बहुत शुक्रिया। हिमाचल में अब यार फिर करेंगे छोटे भाई बहुत।